हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरबी आज मैं आप सबके साथ एक वर्सेस वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है लैक्मी पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम एंड लैक्मी पीच मिल्क अल्ट्रालाइट जेल के एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों में से क्या डिफरेंस है कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन से स्किन टाइप वालों को कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए एंड कौन से सीजन में कौन बेटर जाने वाला है यानी कि इस क्रीम के बारे में फुल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए सबसे पहले इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं इसकी कीमत है थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव रुपीज़ ये टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम की क्वांटिटी के साथ आता है एंड टू इयर्स इसका सेल्फ लाइफ है इसके बारे में बात करूँ तो ये भी आती है थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ की इसका नेट वेट है वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम एंड ये भी थ्री ईयर्स की लॉन्ग सेल्फ लाइफ के साथ आता है सो so, इन दोनों की क्रीम के बारे में बात करूँ तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल आता है क्योंकि सेम प्राइस में ये आपको ज़्यादा क्वांटिटी देता है तो दिस इज़ मोर अफोर्डेबल पैकेजिंग देख सकते हैं पैकेजिंग के कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बस बॉक्स की जो साइज़ है उसमें थोड़ा डिफरेंस है दोनों ही इस तरह का सील के साथ आती है तो पैकेजिंग के बारे में कहूँ तो दोनों ही बहुत ही हाइजीनिक पैकेजिंग मेंटेन करती है अब मैं मेरे दोनों हैंड्स पे दोनों क्रीम को एक साथ अप्लाई करने वाली हूँ ताकि जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे एंड आप आ, देख सकते हैं ये पिंक कलर की क्रीम है बहुत ही खूबसूरत सा टॉप में आती है एंड ये ना आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से नरिश एंड मॉइस्चराइज करती है ये है हमारा लैकमी जो पीचमिल का सॉफ्ट क्रीम है वो ये एक क्रीम इसकी कंसिस्टेंसी है जिस तरह की क्रीम होती है एंड दूसरा है लैकमी सुपर लाइट जेल एंड ये बिल्कुल ही जेल की तरह है एंड मैंने आ, इसका ये जो एक डिब्बा है इसे मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए ये बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है बस आ, थोड़ा सा बचा है एंड ये बहुत ही लाइट वेट है नॉन ग्रेजी फार्मूला के साथ आता है अब देख सकते हैं इसकी टेक्सचर ये ना बिल्कुल जेल की कंसिस्टेंसी है इसकी जो टेक्सचर है ना आप देख सकते हैं ये क्रीम बेस है एंड ये जेल बेस टेक्सचर है एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करती है अल्ट्रालाइट जेल से ये जो सॉफ्ट क्रीम है ना ये ज़्यादा मॉइस्चराइज है एंड ये आपकी स्किन को ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेट एंड नरिश करते है। तो जिनकी स्किन ड्राई है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है एंड विंटर में इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है एंड इसके बारे में मैं कहूँ ना तो ये आती है एक जेल बेस फॉर्मूले के साथ ये एकदम नॉन स्टिकी लाइट वेट सा फील देता है आप इसे गर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है एक्चुअली ये दोनों ही ऑल स्किन टाइप वाले प्रोडक्ट हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो फुल इंग्रेडिएंट्स पीछे मेंशन है ये ज़्यादा नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ आती है एंड ये आती है बहुत ही लाइट वेट एंड जेल फार्मूला के साथ सो so, फ्रेंड मैं दोनों ही मुझे बेहद पसंद है बट इसका डिफ्रेंस मैं आपको बता दूँ ये क्रीम बेस आती है एंड ये आती है जेल बेस इसे आप ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसा मैंने नहीं कहा समर में जिनकी स्किन बहुत ऑयली है जो कुछ अप्लाई नहीं कर सकते वो इसे ट्राई कर सकते हैं सो दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन एंड दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन आप इसे विंटर में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल स्किन टाइप वाले लोग इसे विंटर में इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इसे आप समर में इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोनों क्रीम की जो टेक्सचर है वो डिफरेंस है दोनों की पैकेजिंग डिफरेंस है एंड दोनों की जो कीमत है वो भी डिफरेंस है तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल आती है एंड इन दोनों क्रीम को आप हैंड फेस हैंड एंड बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लड़का लड़की कोई भी इस इस्तेमाल कर सकता है सो तो फ्रेंड आप चाहे तो इन दोनों को परचेज कर सकते हैं अगर मेरे रिव्यू आपका अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए Thank you friends, bye bye.